Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टूडेंट्स के लिए लिखी एक बुक लॉन्च होगी। इसे एग्जाम वॉरियर्स नाम दिया गया है। मोदी ने इसमें बच्चों का एग्जाम स्ट्रेस से निपटने और अच्छा परफॉर्म करने के टिप्स दिए हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र में होने वाले बुक लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी और सुषमा स्वराज भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि देश में हर साल परीक्षाओं से तनाव में आए कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। मोदी मन की बात में भी इस पर चिंता जता चुकी है। किताब में 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की परेशानियों पर फोकस किया गया है। पीएम ने इसमें बताया है कि नॉलेज हमेशा एग्जाम मार्क्स से ज्यादा अहम होती है। पीएम मोदी ने किताब को सीधे बात करने के अंदाज में लिखा है। इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को योगा और फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत भी समझाई गई है। 208 पेज वाली किताब को पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस छापेगा और इसकी कीमत 100 रुपए रखी गई है। बता दें कि पीएम पहले भी मन की बात प्रोग्राम में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को दबाव न लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे प्रेशर नहीं बल्कि प्लेजर से पढ़े। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और अब्दुल कलाम का उदाहरण देकर बच्चों को हमेशा डटे रहने की सलाह दी है। आपको तो पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीबीएसई पहले ही 5 मार्च का ऐलान कर चुका है। 7 साल के लंबे गैप के बाद बोर्ड ने एक बार फिर 10वीं के एग्जाम्स को कंपलसरी कर दिया है। खास बात यह रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानने वाले करोड़ों भारतीय पर यह बुक कितना प्रभाव छोड़ सकती है।